सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। तो आज है हम जिसे सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई में। हमारा नेक्स्ट स्टेट था, अभी प्रेजेंट स्टेट हो चुका है मुंबई। तो अभी हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे मरीन ड्राइव। तो पहले सिद्धिविनायक जी के दर्शन कर ले, अलग स्टेडियम। तो फिलहाल दोस्तों रूम से निकल चुके हैं, रात को काफ़ी देर हो गए थे, थक गए थे, नींद भी पूरा नहीं हुआ था। तो मुझे ऑनलाइन सर्फिंग करते हुए रमेश भाई मिले, तो उन्होंने हमें रूम ऑफर किया। तो हमें हमारे पास मुंबई में रहने के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन जैसे तैसे करके मतलब एक सर्फर से मिला जो है रमेश भाई, जिनके रूम पर हम रुके हैं। बाकी उन्होंने हमें मतलब प्रॉपर बताया कि मतलब यहाँ पर इस तरीके से जाना, प्रॉपर गाइड किया कि फ़ोन वगैरह जेब में रख के रहना, बाकी तुम लोग आराम से घूमो फिरो और शाम को आ जाना, और यहाँ पर रूम पे होगा, रूम पे अगर मैं नहीं हुआ तो कुछ बना के खा लेना। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं तो सिद्धिविनायक जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर रास्ते में मतलब आपको जगह जगह पर उनको चढ़ाने के फूल माला वगैरह मिल जाएगा। तो मतलब हर जगह में मतलब जैसे ही हमने मंदिर के नज़दीक आते आते यहाँ पर पूरा फूल का स्टॉल वगैरह यहाँ पर लोग लगाते हुए दिख जाएंगे आपको। तो बाकी तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों मैं महाराष्ट्र से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, जो यहाँ के लीडर थे बाला साहब ठाकरे, जो उनकी स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूँ, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसा रिवोल्यूशन लाया था कि तब जाके शिवसेना का गठन हुआ था, और शिवसेना को हिलाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर बस खड़ा है, मैं अभी आपका ठाकरे चौक है जहाँ पर हम यहाँ पर अभी खड़े हैं, तो ये ठाकरे चौक है। तो उन्हीं के मतलब स्टोरी से मुझे जो ये मेरा मिशन है, मिशन का पता चला कि हम मुझे करना क्या चाहिए करके। तो ये तो यहाँ पर ये है ठाकरे चौक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक मिनट अभी तो बस है, यहाँ पर इनका स्टैचू बना हुआ है। तो ये है बाला साहब ठाकरे का स्टैचू। तो बस इन्हीं की वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यस मुझे मिशन आत्मा शांति भ्रमण ट्रिब्यूट टू अमर शहीद ऑफ गोरखालैंड करना चाहिए करके। तो बस कर रहा हूँ। हम एंट्री के लिए पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से यह एंट्री है सिद्धिविनायक जी का। बस बाकी अभी जूते चप्पल कहाँ खोना देखते हैं। तो दोस्तों ये लाइन बहुत लंबी है, देख सकते हो आप ना, ये यहाँ से पूरा लाइन है, पूरा लाइन पूरा अंदर तक लाइन है। तो हम भी लाइन में लाएंगे, तो यहाँ से पूरा लाइन का ब्रिज है सिद्धिविनायक जी का। तो बस अभी हम भाई लाइन पे लगते हैं। तो ये अंदर का प्रवेश द्वार दिखाता हूँ। तो हम बाहर आ चुके हैं, व्यू आपने देख लिया होगा, मैंने डाल दिया था वहाँ पर, थोड़ा सा मतलब बहुत भीड़ थी तो ज़्यादा शॉट नहीं ले पाया। बाकी अब हम जाते हैं बीच की तरफ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं दादर बीच। अब यहाँ से मरीन ड्राइव तो काफ़ी लंबा है, तो बहुत दूर पड़ जाएगा, क्योंकि हमें अभी रूम के लिए निकलना है, फिर उसके बाद हमने निकलना है गोवा की तरफ। तो टाइम भी नहीं है, शॉर्टेज है, तो महाराष्ट्र का टूर भी यहीं पर ख़त्म होता है शायद। अभी थोड़ा सा चीज़ है, देखते कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन मतलब जो ये दादर बीच का एरिया है वो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा पानी, बहुत ही गंदा आ रखा है ना। तो यहाँ पर जो बीच का फील है वो नहीं आ सकता। लेकिन इससे बढ़िया बीच हमें द्वारका में मिला ना, द्वारका का बीच सबसे साफ लगा हमें अभी तक, देखते गोवा में जाके। तो दोस्तों आई थिंक इफ ये वीडियो अगर महाराष्ट्र तक पहुंच जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बीच दादर बीच है, ये इतना गंदा है, हम सोच रहे कि बीच में जाके थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, तो ऐसे बीच में कैसे रिफ्रेश हो सकता है यार, कोई इतना गंदा है। ये देखो मतलब पूजा का आइटम से लेकर हर चीज का आइटम साइड पे, अब इतना गंदा बीच मैंने लाइफ में पहली बार देखा।
आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट शुड वॉक इन दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है यार। मतलब हम जैसे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो खराब हो जाता है। ये देखो पूरा कचरा ही कचरा, क्या है सबसे गंदा भी मैंने अभी तक यही देखा है यार। आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि यही नहीं बहुत सारे बीच ऐसे होंगे इतनी बदबू आ रही है ना इसके बगल में भाई साहब। अब हम दूसरी जगह जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितना सफाई है या कितनी वो है। दोस्तों हम यहाँ पर आ रहे थे, बीच घूम रहे थे, बीच का फुटेज कोई भी मैं डालूंगा नहीं क्योंकि भाई नहीं पसंद वो चीज़ें, वो डालूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़, मैं 2 साल से था वेट की वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहा था, तो थोड़ा वेट बढ़ गया है। हम दोनों ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम सीधे जा रहे हैं गोवा का टूर, उसके बाद आप घुसेंगे साउथ इंडिया, तब तक स्टेडियम। तो फाइनली एक और सपना पूरा, मेरा फर्स्ट है ये महाराष्ट्र में ब्लड डोनेशन, और इसका पता नहीं फर्स्ट है या सेकंड है, तेरा फर्स्ट है, हम दोनों का फर्स्ट है। तो ब्लड भी डोनेट कर दिया हमने, मतलब दे रहे, बाकी सपोर्ट करो यार आप लोग। तो फाइनली वर्क हैज बीन डन, हमारा प्राइस हमें मिल चुका है माजर एंड पार्ले जी, बाकी मिलते हैं आपसे बाहर। तो फाइनली दोस्तों मैंने 2 इमोशनल ब्लैकमेल करके 2 सब्सक्राइबर बढ़ा दिया बाकी हम निकल रहे हैं यहाँ से अब सीधे रमेश भाई के रूम की ओर, बाकी हमें अपना प्राइस मिल चुका है जो लाइफ टाइम है। काफ़ी जगह वैलिडिटी रहता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी को भी चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं ये सर्टिफिकेट उनको दे दूँगा अगर मुंबई में होता हूँ, बाकी स्टेट हूँ। तो फाइनली गाइस हम रमेश जी के रूम पहुँच चुके हैं, और उन्होंने इतना प्यारा खाना बना रहा, खाना दिखाता हूँ आपको। तो ये महाराष्ट्र की, सर बता दीजिए आप ही, महाराष्ट्र की क्या बताया आपने? बीन्स, बीन्स बीन्स सबसे फेमस सब्जी कह रहे हैं। रमेश भाई को 100 कितने डिश आते खाना बनाना? मोर देन 100 प्लस डिशेस आता है इनको। तो इनके यहाँ पर हम रुके हैं, हमें मतलब रुकने की कई जगह नहीं मिली थी, तो ऑनलाइन सर्व करते करते मैंने आपको बताया ही था इससे पहले, लेकिन दिखाया नहीं था उस टाइम पे, रोड पे हाफ फेस आया था। अब आप देख सकते हो हमारे सर को, तो इन्होंने हेल्प की। तो कहते हैं ना कि भगवान का अन्य काम ही होता है, करके रास्ते रास्ते मिल जाता है, देखने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी मुंबई का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, वो आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बाकी मिलते हैं नए सफर में, न्यू स्टेट में।